नमस्कार नेशन अपडेट डॉट इन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 72% आरक्षण को लेकर एक ओर जहां पूरा देश में माहौल गर्म हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कल 72% आरक्षण के विरोध में सामान्य वर्ग हित सुरक्षा आंदोलन के बैनर तले कवर्धा शहर के सामान्य वर्ग व आरक्षण विरोधी अन्य वर्ग के लोगों ने भारत माता चौक से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा, प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की घोषणा 10% आर्थिक आरक्षण को सामान्य वर्ग से द्वेष रखते हुए लागू नहीं किया, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों का सपना चूर चूर हो गया है। अपने ही प्रदेश में उनका लोकतांत्रिक हनन किया जा रहा है। इसी प्रकार बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जांजगीर में भी आंदोलन जारी है। लोगों ने कहा कि हम आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्य सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करें, और अगर आगामी समय में राज्य सरकार इस फैसले को वापस नहीं देती है तो प्रदेश भर के सामान्य वर्ग के लोग जेल भरो आंदोलन, विधानसभा घेराव, भूख हड़ताल तक जाएंगे। और प्रदेश में हो रहे ऐसे वोट बैंक की राजनीति कर सामान्य वर्ग के मानवाधिकार को जिस प्रकार हनन किया जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। इस ज्ञापन रैली में प्रमुख रूप से वेदांत शर्मा, अभिषेक पांडे, संजय तिवारी, श्रीकांत उपाध्याय, पीयूष पांडे, पीयूष ठाकुर, शिव ठाकुर, शुभम ठाकुर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अब देखना यह है कि लोगों द्वारा आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर राज्य सरकार अपने फैसले को बदलती है या नहीं, या तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.